ये हमारे नीचे जो आप देख रहे हैं ये देव प्रयाग है, यहाँ पे दो नदी का संगम होता है। फाइनली वी हैव रीच्ड द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वेलकम टू ऋषिकेश। एग्जैक्टली जो देख रहे हैं वो है देव प्रयाग। अभी हम बंदिला गांव से अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर है और हम बढ़ रहे हैं ऋषिकेश तरफ। ये जो देव प्रयाग है ये दो नदी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी नदी है जिसे हम गंगा जी कहते हैं। तो ये यहाँ से सीधा जा रहा है हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ और अभी हमको पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली 78 से 80 किलोमीटर और लगने वाले हैं। उत्तराखंड काफ़ी सीनिक है, बट वही है कि थोड़ा रास्ता डेंजरस हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हैं और अगर आपको हिली एरिया तो और ऐसे घाट वाले रास्ते में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो स्पीड कम रखिए। और काफ़ी लोगों का मोशन सिकनेस भी ट्रिगर हो जाता है, तो जो भी नेसेसिटी है दवाइयाँ, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी दूर तक आपको शायद मेडिकल शॉप नहीं मिलेंगे। Finally, we have reached the yoga capital of the world. Welcome to Rishikesh. तो ये है गंगा जी का व्यू। हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ से बहुत 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 बेहतरीन व्यू है। और अभी थोड़ा फ्रेश होंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मार्केट घूमेंगे और मज़ा मज़ा। ये है हमारा रूम शायद, इसको पूरा दिन घूमना है और बस सोने के लिए आना, उसके लिए बढ़िया था। तो अभी नहाएंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे, देन इवनिंग में मार्केट घूमेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, थोड़ा जैसा देश वैसा भेस कुछ किया जाएगा। आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़े अलग अवतार में हमको। और इवनिंग है प्लस हम ऋषिकेश में हैं तो गंगा आरती करेंगे रात के टाइम में, और आपको भी बताते हैं। फिलहाल दो तीन दिन हैं, आप देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ डेट इज़ मसाला मुसाफिर कैफे, और लोकेशन लक्ष्मण झूला से काफ़ी नियर बाय है।
इजीली एक्सेसिबल है, मेन मार्केट प्लेस में ही है। और यहाँ का मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगा कि दो ये कैफ़े है बट यहाँ पे आपको स्नैक्स एंड मॉकटेल एंड स्टफ्स के अलावा आपको प्रॉपर खाना भी मिलता है एंड खाने की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही होती है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को काफ़ी कैफे में लैक होता हुआ दिखता है। जैसे हमारे यहाँ पे तो अगर वो लोग बोलते हैं कि कैफ़े हैं तो कैफ़े के नाम पे फिर वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं। अगर वो लोग बोलते हैं कि कैफ़े है तो कैफ़ेज के नाम पे बस स्नैक्स होता है और कॉफ़ी होती है, बट यहाँ पे प्रॉपर खाना होता है। दे सर्व इंडियन, दे सर्व चाइनीज एंड दे सर्व कोरियन एज वेल। तो आज हमने थोड़ा सा इंडियन और थोड़ा चाइनीज़ मंगाया था। जैसे जैसे यहाँ पे यहाँ हैं 3 दिन हैं हम लोग, तो वी माइट ट्राई कोरियन समडे, इंडियन भी खा के देखेंगे। और एम्बियंस काफ़ी सही है, आप फैमिली के साथ आ सकते हो, काम वाम कर सकते हो, चिल कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। एंड व्यू का तो मैं क्या ही बोलूँ। Wave to the camera. Ciao. Bye. Ciao. What kind of words? Language. और तो अभी हम बंदिला गाँव से निकले हैं अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर बैक। तो अभी हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए बंदिला गाँव से।